नंबर 28, इफ ए डिनोट द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एट प्लस टू थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, यानी ए किसको डिनोट कर रहा है, ए किसको डिनोट कर रहा है, कह रहा है कि ए डिनोट्स द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एट प्लस टू थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है किसके इक्वल है, एक्स प्लस टू पी एक्स प्लस टू के, यानी ए हो जाएगा एक्स प्लस टू के फैक्टोरियल के इक्वल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर आगे क्या कह रहा है कि बी जो है, बी द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एक्स थिंग टेकन 11 एट अ टाइम, यानी कि कहने का मतलब बी किसके इक्वल है, एक्स पी 11 के। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर उसके बाद दिया है कि सी द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एक्स माइनस 11 थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, यानी कि हो जाएगा सी किसको डिनोट कर रहा है, तो हो जाएगा यहां पर एक्स माइनस 11 थिंग्स में से एक्स माइनस 11 थिंग्स को ही चूज किया जाता है, ऑल को, यानी ये एक्स माइनस 11 के फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा सी। अब देखिए ऊपर जो हमारे पास दिया हुआ है ए किसके इक्वल है, 182 बीसी के इक्वल है। ठीक है, यही ना है जी, हमें निकालना है एक्स का वैल्यू। चलिए देखते हैं ए बी सी का वैल्यू यहाँ रखना है, इसके यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल, अभी हमने ऊपर देखा है 182, इसका हो जाएगा एक्स पी 11 और यहाँ सी का एक्स माइनस 11 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसे आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल इक्वल टू में 182 इंटू में एक्स का फैक्टोरियल बाई में एक्स माइनस 11 का फैक्टोरियल और इंटू यहाँ एक्स माइनस 11 का फैक्टोरियल ऑलरेडी है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू में एक्स का फैक्टोरियल यही रख देता है, एक्स के फैक्टोरियल को डिवाइड में इक्वल टू में 182, इससे ये कैंसिल, एक्स प्लस टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 14 इंटू में 13 इक्वेट कर देते हैं, दो कंजक्यूटिव पांच नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हमें यहाँ दिखा दिया, ये भी तो नेचुरल नंबर ही है ना जी, तो एक्स प्लस टू इक्वल हो जाएगा 14 के और एक्स माइनस एक्स प्लस 1 जो होगा इक्वल होगा 13 के, यहाँ से एक्स इक्वल टू में 12 है कि नहीं, और यहाँ से भी एक्स का वैल्यू 12 ही आएगा, हमें एक्स का वैल्यू 12 मिल गया। समझ गए क्वेश्चन।